डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 से रिलेटिव चैप्टर सिंथेक्स आपके सामने लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज हम ये सिंथेक्स पार्ट 14 देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बिगिन करने से पहले मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि और आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सिंथेक्स, और सिंथेक्स में हम जानेंगे आज नॉन फाइनाइट के बारे में। नॉन फाइनाइट फ्रेंड्स, जैसे कि नॉन फाइनाइट ये होता क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे नॉन फाइनाइट के कितने काइंड्स होते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। फ्रेंड्स, अपने कुछ प्रीवियस वीडियो में मैं सिंथेक्स चैप्टर है उससे रिलेटिव मैं कई वीडियो अपलोड किया हूँ। आज हम इस वीडियो मतलब पार्ट 14 देखेंगे। जैसे कि मैं रूल्स ऑफ नाउन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें एवरीथिंग नाउन से रिलेटिव आपको मिलेगा। रूल्स ऑफ प्रोनाउन भी है, रूल्स ऑफ एडजेक्टिव भी मैं बता दिया हूँ, रूल्स ऑफ वर्ब भी बता दिया हूँ, और आज हम देखेंगे रूल्स ऑफ नॉन फाइनाइट। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा पहले नॉन फाइनाइट, ये जो होता है नॉन फाइनाइट थोड़ा सा समझेंगे। ये आपका वर्ब पे बेस्ड होता है। ये नॉन फाइनाइट आया कैसे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नॉन फाइनाइट दो प्रकार के आपके होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और हमारा आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा फाइनाइट वर्ब आपसे बताऊं, फाइनाइट वर्ब होता क्या है। हम कह सकते हैं जनरली फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में अपने नंबर और अपने पर्सन या टेंस के अकॉर्डिंग अपने रूल रेगुलेशंस को क्या करता है, बदलता है। जैसे कि ये आपका फाइनाइट जो वर्ब होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें समझने के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस रख रहा हूँ, जैसे कि आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। फ्रेंड्स, आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो आपका आई जो है ये आपका प्लूरल है, तो इसके साथ जो ये वर्ब है क्या आपका प्लूरल है। और भी जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे कि ही प्लेस हॉकी। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे ये जो वर्ब, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इट्स मीन ये जो प्रोनाउन है क्या है आपका, ये आपका सिंगुलर है। इसके साथ जो ये वर्ब है ये भी आपका क्या है, सिंगुलर है। तो ध्यान रखेंगे, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ टेंस पर बेस्ट। जैसे कि ये प्रेजेंट टेंस अगर हो तो हम जनरली जानते हैं उसके वर्ब में हम क्या यस और ईएस लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ ये फाइनाइट वर्ब में ही यस और ईएस लगता है, ना कि आप हेल्पिंग वर्ब में लगा दें, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। जैसे कि अगर दूसरे टेंस में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं, जैसे राम प्लेड हॉकी, राम ने हॉकी खेला, इसका क्या सेंस हुआ, देखिए थोड़ा समझेंगे। ये जो चीज है आप देख सकते हैं फाइनाइट वर्ब है, और ये अपने रूप को बदल दिया अकॉर्डिंग टू टेंस, क्योंकि ये इंडेफिनेट था, प्रेजेंट इंडेफिनेट था, ये पास्ट इंडेफिनेट। चलिए और भी सेंटेंस जैसे लिख रहा हूं, जैसे कि रमन इज प्लेइंग हॉकी, रमन हॉकी खेलता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये रमन सिंगुलर था तो वर्ब भी क्या हुआ, सिंगुलर। और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो आपका कंसेप्ट है, ये जो आपका फाइनाइट वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म में, तो जनरली आप कह सकते हैं फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो किसी सेंटेंस में अपने कोई सेंटेंस हो, जैसे कोई मतलब अपने रूप को टेंस या आप पर्सन के अकॉर्डिंग क्या करता है, बदलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि और भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, जैसे कि राधा has written a letter। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, जैसे राधा है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ये फिर फाइनाइट जो वर्ब है ये आपका रूप अपना बदल दिया टेंस के अकॉर्डिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो आपका भी थ्री लग गया। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये नॉन फाइनाइट क्या है। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो मतलब अपने रूप को
टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलता, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। नॉन फाइनाइट के अंतर्गत तीन चीज आपको मिलेगा, पहला आपका होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, दूसरा आपको मिलेगा जेरंड, और तीसरा आपको मिलेगा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे इन्फिनिटिव के बारे में, ये इन्फिनिटिव क्या है। हम कह सकते हैं इन्फिनिटिव, आइए इन्फिनिटिव को मैं डिफाइन करता हूं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है अब देखेंगे हम। इन्फिनिटिव होता है, जैसे कि कह सकते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव इज फॉर्म्ड, इन्फिनिटिव इज फॉर्म्ड by adding to before the base form of a verb। इन्फिनिटिव कह सकते हैं, इन्फिनिटिव का जो निर्माण होता है वह वर्ब जो होता है आपका मेन वर्ब आपका सही है, वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म मतलब होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके अगर पहले अगर आप टू लगा देते तो इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जांपल जैसे कह सकते हैं टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो आपका है टू वॉक क्या है, आपका इन्फिनिटिव है। जैसे कि to find fault is easy, मतलब दोष निकालना आसान होता है। फ्रेंड्स ये आपका हुआ आपका इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। इन्फिनिटिव इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं इन्फिनिटिव इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज नाउन। इन्फिनिटिव का प्रयोग हम सेंटेंस में नाउन के रूप में हम करते हैं। जैसे कि इन्फिनिटिव का रूप हम किसी भी सेंटेंस में अगर हम करेंगे तो ये नाउन का रूप लेता है। आइए फिर इन्फिनिटिव के काइंड्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, फ्रेंड्स थोड़ा सा आप समझते चलेंगे। काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जनरली टू प्रकार के होते हैं, दो काइंड्स होते हैं। हम बोल सकते हैं देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव टू काइंड्स होते हैं इनके। पहला आपका होता है सिंपल इन्फिनिटिव जिसको एक और नाम से हम जानते हैं, आप कह सकते हैं नाउन इन्फिनिटिव। फ्रेंड्स ये पहला था सिंपल इन्फिनिटिव, जो कि इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव इज कॉल्ड या इज नोन एज अदर नेम ऑफ नाउन इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है थोड़ा सा समझेंगे। कह सकते हैं इसका अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, कह सकते हैं when an infinitive is used as noun in a sentence, when an infinitive is used as noun
इज यूज एज नाउन इन अ सेंटेंस सेंटेंस इट इज कॉल्ड सिंपल इन्फिनिटिव सिंपल इन्फिनिटिव. हम जनरली कर सकते हैं सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है, जब इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी सेंटेंस में नाउन की तरह हम करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव. एंड इट वर्क्स एज ए नाउन इन अ सेंटेंस, कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड सिंपल इन्फिनिटिव. हम कर सकते हैं सिंपल इन्फिनिटिव भी आप नोट में डाल दीजिए. सिंपल इन्फिनिटिव वर्क्स या एक्ट्स एज नाउन इन अ सेंटेंस. फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है, सिंपल इन्फिनिटिव किसी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है. आइए एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको. जैसे कह दिया जाए आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ. फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं टू प्ले आपका सिंपल इन्फिनिटिव का यूज हुआ और ये नाउन की तरह काम कर रहा है. आइए फिर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ लेके चल रहा हूँ. जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि लता वेंट टू मार्केट टू परचेज बुक्स. यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टू परचेज, ये आपका क्या है, सिंपल इन्फिनिटिव. आइए फिर इसका इन्फिनिटिव का जो सेकेंड काइंड है उसको भी हम देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं जेरेंडियल इन्फिनिटिव. तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. मैं चाहूँगा आप एक इसका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि मैं इसको इरेज करूँ और आगे हम लेके चलूँ. चलिए फिर फ्रेंड्स तो देखते हैं. अब हम देखेंगे जेरेंडियल इन्फिनिटिव. दूसरा जो है आपका वह है आपका जेरेंडियल इन्फिनिटिव क्या होता है, इसको डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं. लिख सकते हैं when an infinitive is used as an adverb or an adjective in a sentence, it is called gerundial infinitive. फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जेरेंडियल इन्फिनिटिव को हम क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव भी कहते हैं. क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव हम कह सकते हैं. जेरेंडियल इन्फिनिटिव इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ नाउ क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव. आइए फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ. जैसे कह सकते हैं द मैंगो इज स्वीट टू ईट. इसका अर्थ क्या हुआ, द मैंगो इज स्वीट टू ईट, मतलब आम जो है खाने में क्या है, मीठा है. तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो वर्ड है आपका क्या है, एडजेक्टिव है. ये वर्ड है आपका एडजेक्टिव और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका क्या है, जेरेंडियल इन्फिनिटिव. तो जेरेंडियल इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी सेंटेंस पे एडजेक्टिव की तरह भी होता है और भी आप एग्जांपल यूज कर सकते हैं. जैसे इट इज़ इजी टू लर्न इंग्लिश.
फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे इजी, ये देखिए आपका क्या है जिरेंडियन इन्फिनेटिव। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे इन्फिनेटिव के फॉर्म, सेंटेंस में इन्फिनेटिव कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स आइए मैं लेकर चलता हूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट हम कह सकते हैं इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इन्फिनेटिव जो होता है कुछ वे में काम करता है, वो वे क्या है थोड़ा सा समझेंगे। कह सकते हैं ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा समझेंगे। कह सकते हैं इन्फिनिटिव इज यूज्ड इन अ सेंटेंस sentences in some way। इन्फिनिटिव का प्रयोग सेंटेंस में हम कुछ स्थिति में करते हैं वह क्या है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहला आपका होता है as the subject, as the subject to a verb। पहला आपका होता है इन्फिनिटिव का प्रयोग as a subject to a verb, मतलब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज सेंटेंस में कैसे होता है देखिए। जैसे कह दिया जाए टू वॉक इज, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज, टू वॉक इज गुड एक्सरसाइज। इसका अर्थ क्या हुआ टू वॉक इज गुड फॉर एक्सरसाइज या गुड एक्सरसाइज, मतलब टहलना एक अच्छी व्यायाम है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे इन्फिनिटिव का यूज हुआ है और ये सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फिनिटिव इज यूज एज द सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ये जो वर्ब है आपके इसके सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। और भी आप लिख सकते हैं टू ड्रिंक इज इंजूरियस, टू ड्रिंक इज इंजूरियस टू हेल्थ या फॉर द हेल्थ। इसका अर्थ क्या हुआ टू ड्रिंक इज इंजूरियस फॉर द हेल्थ, हेल्थ का अर्थ हुआ मतलब पीना या फ्रेंड्स पानी पीने से मतलब नहीं है, ये शराब पीने से मतलब है। टू ड्रिंक इज इंजूरियस फॉर द हेल्थ इट्स मीन पीना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है हानिकारक होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक वर्ब है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इन्फिनिटिव का यूज हुआ है। चलिए दूसरा हम देखते हैं as the ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब इन्फिनिटिव का यूज सेंटेंस में as the ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब के रूप में भी होता है। आइए इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू रीड। फ्रेंड्स थोड़ा सा इस सेंटेंस पे थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे। आई वॉन्ट टू रीड आप यहाँ देख रहे हैं वर्ब है, ये जो आपका क्या है इन्फिनिटिव है। और इस इन्फिनिटिव अगर सेंटेंस की बात करें तो इस सेंटेंस में टू जो रीड है ये ऑब्जेक्ट की तरह है, तो इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हुआ है। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे they refused to help they refused to help us, उन्होंने हमारी मदद करने से इनकार किया। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं जो टू हेल्प जो है ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। चलिए आइए फिर अब मैं लेके चल रहा हूँ आपको तीसरे कंडीशन पे। तीसरा क्या होता है as the complement टू अ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं
जैसे ही इज टू गो, ही इज टू गो। अब फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये वर्ब है आपका, इसके ये जो है आपका कॉम्प्लीमेंट के तरफ के तरह यूज हुआ है। जैसे कह सकते हैं ही वॉन्ट्स टू बी एन आई ए एस ऑफिसर, वह एक आई ए एस ऑफिसर बनना चाहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका क्या है वर्ब है, इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं टू बी, या आप लिख सकते हैं टू बिकम एन आई ए एस ऑफिसर। तो ये जो है आपका वर्ब है इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर हुआ है। अब जो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट जो होता है, जो इसका अंतिम कह सकते हैं जो इन्फिनिटिव जो यूज होता है, वो आपका होता है एस, देखिए एस ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज होता है। देखिए कैसे होगा प्रेपोजिशन, जैसे कह सकते हैं ही इज टू या ही इज अबाउट टू सिंग। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप ये वर्ड यहाँ देख रहे हो, ये तो आप टू जो देख रहे हैं टू सिंग, ये तो आपका क्या हुआ इन्फिनिटिव हुआ और ये ऑब्जेक्ट की तरह है ठीक। और ये जो वर्ड है आपका अबाउट, ये क्या है आपका प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का यूज हुआ। और भी आप एग्जाम्पल दें, द ट्री इज अबाउट टू फॉल, ट्री जो है वह गिरने को है, मतलब गिरने वाला है। यहाँ पर अबाउट आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो वर्ड है आपका क्या है इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव का यूज यहाँ पर क्या हुआ है एज ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आप बाद में भी इसका स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये आज का हमारा टॉपिक था नॉन फाइनाइट, जिसमें मैंने इन्फिनिटिव पर चर्चा किया। अभी इसके जस्ट बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा वो होगा आपका बेयर इन्फिनिटिव। जैसे कि अब तक जितने आप सेंटेंस एज एग्जाम्पल के तरह आपने देखा उसमें टू लगा था, अब जब बेयर इन्फिनिटिव जब मैं लाऊंगा तो वहां पर आपको टू नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स वो वीडियो मैं जल्द ही ला रहा हूँ। सो फ्रेंड्स हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स थैंक्स, दैट्स ऑल।